गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी हुकूमत की जानिब से दी गई मोहलत में एक रोज़ बाकी। वफाकी पुलिस की जानिब से इस्लामाबाद में मौजूद गैर कानूनी अफराद की जियो टैगिंग मुकम्मल। शहर भर में कायम मुख्तलिफ गैर कानूनी बस्तियों का रिकॉर्ड भी CDA ने तैयार कर लिया। CDA की जानिब से H13 से कायम गैर कानूनी बस्ती को मिसमार कर दिया गया। CDA की जानिब से मुख्तलिफ सेक्टर्स में कायम बस्तियों पर ऑपरेशन जारी हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी हुकूमत की जानिब से दी गई मोहलत में एक रोज़ बाकी। वफाकी पुलिस की जानिब से इस्लामाबाद में मौजूद गैर कानूनी अफराद की जियो टैगिंग मुकम्मल। शहर भर में कायम मुख्तलिफ गैर कानूनी बस्तियों का रिकॉर्ड भी CDA ने तैयार कर लिया। CDA की जानिब से H13 में कायम गैर कानूनी बस्ती को मिसमार कर दिया गया। CDA की जानिब से मुख्तलिफ सेक्टर्स में कायम बस्तियों पर ऑपरेशन जारी है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी के हवाले से मजीद का तफसलात हैं आगाह करेंगे। साकिब सईद हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब आगाह कीजिएगा, एक रोज़ बाकी है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं इस मामले में? जी बिल्कुल, जैसे कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो अफगानी हैं उनका वतन वापसी के लिए एक रोज़ बाकी है। हुकूमत की जानिब से दी गई मोहलत में माज एक रोज़ बाकी रह गई है। वफाकी पुलिस की जानिब से इस्लामाबाद में मौजूद गैर कानूनी अफराद की जियो चेकिंग मुकम्मल हो चुकी है। शहर भर में कायम मुख्तलिफ गैर कानूनी बस्तियों को रिकॉर्ड की तैयार कर ली है। CDA की जानिब से H13 में कायम गैर कानूनी बस्ती को भी मसमार कर दिया गया है और मजीद भी इस पर कार्रवाई जारी है। जैसे कि H13 में कायम गैर कानूनी मुकीम अगवानियों में 350 अगवानी खानदान जा चुके हैं। CDA की जानिब से मुख्तलिफ सेक्टर्स में कायम बस्तियों पर ऑपरेशन जो हैं वो जारी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसलात से आगाह करने के लिए।